फिल्म इंडस्ट्री को 2 दिन में 2 ऐसे झटके लगे हैं जिनको भुलाया नहीं जा सकता। पहले बुधवार को इरफान खान और गुरुवार को ऋषि कपूर हमारे बीच नहीं रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जीशान जावेद आपके साथ। कपूर परिवार का रीवा से बरसों पुराना रिश्ता रहा है। राज कपूर की शादी रीवा में कृष्णा, जो की करतार नाथ की बेटी, राजेंद्र नाथ, प्रेम नाथ की बहन थी, के साथ हुई थी। ऋषि कपूर उनके बेटे थे। देखिए यह रिपोर्ट। बॉलीवुड के सबसे बड़े परिवार कपूर खानदान के चिराग ऋषि कपूर ने अपने परिवार की राह पर चलकर फिल्मों में किस्मत आजमाई। 1973 में फिल्म बॉबी के साथ उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया और तब से लेकर आज तक वह हर किसी के दिलों पर राज कर रहे थे। हालांकि 1970 में शोमैन राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर में ऋषि कपूर ने एक बाल कलाकार की भूमिका निभाई थी। उसके पहले वह बरसात फिल्म में भी आ चुके थे। बॉलीवुड के महान अभिनेता द शोमैन राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को चैंबूर में हुआ था। बॉबी, द बॉडी, प्रेम रोग, 102 नॉट आउट, मुल्क समेत सैकड़ों फिल्मों में ऋषि कपूर ने शानदार अभिनय किया। ऋषि कपूर दिग्गज अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के पोते, राज कपूर के पुत्र, नीतू कपूर के पति और रणवीर कपूर के पिता हैं। उन्होंने 1973 से 2000 के बीच 92 से अधिक रोमांटिक फिल्मों की हैं। 1908 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और कई फिल्म फेयर अवार्ड मिले। 67 वर्ष की उम्र में ऋषि कपूर का दुखद निधन हो गया। आज हम आपको लेकर चलेंगे ऋषि कपूर के माता पिता की यादों में बने कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में, जहाँ पर कपूर परिवार के करीबी विजय विश्वकर्मा यादों में खोए हुए हैं। दुख की घड़ी कपूर परिवार के लिए तो है ही, रीवा भी इससे अछूता नहीं है। हम इस समय मौजूद हैं कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, यह ऑडिटोरियम शोमैन राज कपूर और उनकी पत्नी कृष्णा राज कपूर की याद में मनाया गया है। 2 जून 1918 को इस ऑडिटोरियम की स्थापना हुई, इसका उद्घाटन हुआ। उद्घाटन के मौके पर कपूर परिवार के बहुत सारे लोग आए थे। कृष्णा की बहन भी यहाँ पर मौजूद थी। उस दौरान काफ़ी चहल पहल थी। हम कोशिश करेंगे आपको उन दिनों की यादें भी आपको दिखाएं, उस दौर में भी ले चलें, 2 साल पीछे भी ले चलें। लेकिन आज एक दुखद खबर आ रही है, कृष्णा राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर की आज सुबह डेथ हो गई है। हमारे साथ एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जो लगातार उनसे जुड़े रहे, उनके साथ, उनके परिवार के साथ संपर्क में रहे। हम आपको जरूर मिलाएंगे उनसे भी, लेकिन उसके पहले आप उस समय की जरा झलकियां देखिए। दिल्ली के वासियों को रणधीर कपूर का सलाम, जय राम जी की। यादों के झरोखों से बाहर निकलिए और आइए चलते हैं, हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो कपूर परिवार के बेहद नज़दीकी रहा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, रीवा वालों को जानकर आश्चर्य होगा कि उनको ऋषि कपूर ने एक पुस्तक भी भेंट की थी। आइए चलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं विजय विश्वकर्मा जी, आज तक के रिपोर्टर हैं, हमारी टीम के भी एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। मैं विजय जी, आपका न्यूज नेटवर्क टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। आप जरा यह बताइए कि आप उस परिवार के सतत संपर्क में कैसे आए। बिल्कुल जावेद जी, एक बड़ी दुखद बात है कि जिस तरह से आज ऋषि जी का निधन हुआ, वो वाकई में हम सबको एक सदमा जैसा है और हम खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये हो क्या गया। काफ़ी दुखद है और जिस तरह से उनकी यादें आती हैं हमें, और वास्तविक तौर पर वो एक अच्छे इंसान भी थे, एक अभिनेता के तौर पर जितनी ही उनकी लोकप्रियता थी उससे भी कहीं अधिक वो एक बेहतर और एक अच्छे इंसान के रूप में जाने जाते हैं। विजय जी, मैं बीच में आपको रोकूंगा, आपके हाथ में मैं एक पुस्तक देख रहा हूँ, वह पुस्तक क्या है, हमारे दर्शकों को दिखाइए, और ये पुस्तक आप तक पहुँची कैसे। जी बिल्कुल, अगर आप इस पुस्तक के बारे में जानना चाहें तो ये ऋषि जी की है, खुल्लम खुल्ला ऋषि जी ने लिखा था इसको, और इसमें नीना अय्यर जी ने इसको कलमबद्ध किया था, और ख़ास तौर से इन्होंने इसमें बेबाकी तरीके से लिखा। और जब मैं पहली बार आर के स्टूडियो में गया था तो रणधीर जी
ने मुझे ऋषि कपूर से मिलाया और उस दौरान काफ़ी बातें हुई और आज भी उनकी यादें वो तरोताज़ा होती हैं, उनके वो शब्द वो वाक्य मुझे बेहद याद आते हैं और लगता है कि वाकई में एक अच्छा इंसान हमारे बीच से कैसे जा सकता है। मैं आपको बता दूं, कृष्णा जी का जन्म यहीं पर हुआ था, उनकी प्रारंभिक शिक्षा यहीं पर हुई थी, शादी भी उनकी राज कपूर जी के साथ इसी रीवा शहर में हुई थी। विजय जी, एक बड़ा सवाल, आप कपूर परिवार के इतने नज़दीक थे, उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में उनसे कब, आप जब पहली बार उनके परिवार के लोग किसको किसको लेके आए थे, आप ज़रा यादों के झरोखों में जाइए बताइए। बिल्कुल जावेद जी, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा, क्योंकि आपने थोड़ा सा, हम दर्शकों को अपडेट कराना चाहेंगे कि कृष्णा जी का यहाँ पर जन्म नहीं हुआ था बल्कि यहाँ पर उनका ब्याह हुआ था। बात है 12 मई 1946 को रीवा में रविवार के दिन उनका ब्याह हुआ और मुंबई से बारात आई थी। कृष्णा के फादर यहाँ पर आजी हुआ करते थे, करतारनाथ मल्होत्रा जी, और रीवा स्टेट में वो आजी थे। उस दौरान यहाँ पर ब्याह बड़ी धूमधाम के साथ हुआ और लगभग 50 से अधिक यहाँ पर बाराती आए थे और सभी उनके करीबी परिवार से जुड़े लोग थे और उनका यहाँ पर भव्य स्वागत हुआ था। साथ में शाही अंदाज के साथ यहाँ पर शादी की गई थी। जबकि अगर जन्म की बात करें तो कृष्णा जी की बहन उमा जी का यहाँ पर जन्म हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल विजय जी, मैं आपको रोकूंगा, निश्चित रूप से विजय जी ने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी, यहाँ पर उमा जी का जन्म हुआ था। कृष्णा जी की, कहा जा सकता है ऋषि कपूर जी की बुआ का जन्म यहाँ पर हुआ था। विजय जी, जरा दर्शकों को यह भी बताइए, आप जब बॉम्बे गए और राज कपूर के परिवार के लोगों से मिले, आप उद्घाटन, इस जो आप ये इसमें कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम जो देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, यहाँ आप उनके परिवार के कितने लोगों को लेके आए थे, जरा यह बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर पहले मर्तबा अगर कपूर परिवार की एंट्री हुई थी तो वो थी 14 दिसंबर 2015 को, ठीक इसी जगह पर रणधीर कपूर जी ने यहाँ पर भूमि पूजन किया था। तब यहाँ पर SP बंगला हुआ करता था और उस बंगले पर ही आज यहाँ पर ये आलीशान ऑडिटोरियम जो आप देख पा रहे हैं, ठीक इसी जगह पर कृष्णा जी रहा करती थी, उनका परिवार रहा करता था और 14 दिसंबर 2015 को यहाँ पर भूमि पूजन हुआ। रणधीर कपूर जी यहाँ पर आए और उन्होंने भूमि पूजन किया। इसके बाद 2 जून 2018 को यहाँ पर ये भव्य ऑडिटोरियम का लोकार्पण हुआ और इस समारोह में उनके परिवार के साथ ही उनकी मौसी मौसा, जिसपे प्रेम चोपड़ा, उमा चोपड़ा, इसके अलावा दूसरा परिवार जो था जिसको हम ये कह सकते हैं कि उनके मामा जो प्रेमनाथ थे ऋषि कपूर जी के, वो भी उनके घर से भी यहाँ पर आए। प्रेम किशन जो एक बड़ी फिल्म कंपनी के निर्देशक हैं, निर्माता हैं, प्रेम किशन जी सिनेवेस्टा जैसी एक बड़ी कंपनी के डायरेक्टर हैं, उन्हीं ने बनाई थी। बिल्कुल, उन्होंने कई सारी फिल्में की और सबसे पहली बार अगर सलमान खान को दबंग अफसर के रूप में वो लेकर आया कोई फिल्म निर्माता, तो वो थे प्रेम किशन। विजय जी, मैं यहाँ पर रोकूंगा, एक दर्शकों के लिए मन में, जैसे आपने सलमान खान का नाम लिया, निश्चित रूप से सलमान आज के दौर के सबसे बड़े स्टार हैं। सुना जाता है कि सलमान खान का कृष्णा राज कपूर, मैं रुकूंगा, इनका जो वहाँ पर वो है RK स्टूडियो है, वहाँ क्या कोई कमरा बुक है, इस तरीके की बातें काफ़ी आती हैं, तो क्या वाकई सलमान के नाम पर वहाँ पर RK स्टूडियो में कोई कमरा हुआ करता था? बिल्कुल बिल्कुल जावेद जी, अगर मैं बताऊँ तो RK स्टूडियो एक बड़ा स्टूडियो है जहाँ पर 2 एकड़ में फैला हुआ है, उस पर कई बॉलीवुड की बड़ी फिल्में शूट हुई, बरसात भी उसमें से एक है। इसके अलावा अगर आप बात करें सलमान की, तो सलमान के लिए वहाँ पर एक खास कमरा बनाया गया है जिस पे वो शूटिंग और कभी भी खाली वक्त पर जाकर वो वहाँ पर समय गुजारते हैं। साथ ही वो वहाँ पर जाकर पेंटिंग बनाते हैं और ये बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि सलमान एक अच्छे पेंटर भी हैं, एक अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, और उनकी पेंटिंग ज़्यादातर कपूर परिवार से जुड़ी हुई हैं, ख़ास तौर से उन्होंने राज कपूर जी की कई सारी पेंटिंग बनाई हैं। दर्शकों, एक महत्वपूर्ण जानकारी विजय जी ने दी
कि आरके स्टूडियो में सलमान खान का कमरा बुक है, वो वहाँ पर पेंटिंग, लेकिन वो कोई कलाकार के रूप पर नहीं, एक अच्छे पेंटर के रूप में उनके लिए एक वहाँ पर कमरा उपलब्ध कराया। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में इस समय हम मौजूद हैं। विजय जी, दर्शकों को और ये बताइए, जब आप बॉम्बे में कृष्णा ये परिवार से मिला करते थे, उस दौरान इन लोग का किस तरीके से आपके साथ व्यवहार हुआ करता था? बिल्कुल, जैसा कि इस आयोजन के संबंध में, और मैंने एक बुक लिखनी चाहिए थी राज कपूर जी पर, दसो मैन, उस सिलसिले में मैं कई बार बॉम्बे गया और ख़ास तौर से कपूर परिवार से ही मेरा वास्ता था, उन्हीं के साथ मुलाकातें ज़्यादातर होती थी। उस दौरान कई बार ऋषि कपूर जी से बात हुई, मुलाकात हुई और उनके साथ बैठकर काफ़ी गपशप भी हुई। अगर ये बात की जाए कि किस तरह से हुआ ये सब कुछ, तो वो भी खुद आना चाहते थे, 2 जून का जो कार्यक्रम था उसमें आना चाहते थे। ये कार्यक्रम पहले हमने 12 मई के दिन रखा था, 12 मई इसलिए कि राज कपूर जी की मैरिज एनिवर्सरी थी, उस दिन हम लोग चाहते थे कि रीवा में ये भव्य आयोजन हो, लेकिन उस दिन किसी कारणवश नहीं हो सका था। उसी बीच ऋषि जी की तबीयत ख़राब थी और वो इलाज के सिलसिले में अमेरिका गए, उसके बाद से वो लगातार इलाज के सिलसिले में बाहर ही रह गए, देश के बाहर रहे और इस कार्यक्रम में शरीक नहीं हो पाए। लेकिन उनकी दिली इच्छा थी कि रीवा में इस कार्यक्रम पे वो आएँ और एक बार वो इस जगह को देखना चाहते थे जहाँ पर उनके फादर दसामोयन राज कपूर और कृष्णा जी का ब्याह हुआ था। मैं आपको बता दूं, ऋषि कपूर जी आज हमारे बीच नहीं है, एक दुखद निधन, एक दुखद खबर। निश्चित रूप से यह फिल्म उद्योग के लिए एक बड़ा, एक तरीके से कहा जा सकता है कि एक ऐसी भरपाई जिसकी भरपाई निकट भविष्य में होना बहुत मुश्किल है। हमारे साथ विजय जी थे, जिन्होंने रीवा से राज कपूर परिवार का कनेक्शन बनाए रखा। निश्चित रूप से इसके लिए विजय जी, केवल और केवल विजय जी ही बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कपूर परिवार से रीवा को बांध के रखा था, कपूर परिवार के काफ़ी लोग को वो रीवा भी लाए थे। निश्चित रूप से ऋषि कपूर के बड़े भाई रणधीर कपूर से उनके निश्चित व्यक्तिगत संबंध थे और आज भी हैं। उन्हीं की वजह से ऋषि कपूर जी भी रीवा आना चाहते थे, वह उस जगह को देखना चाहते थे जहां उनकी माँ का, उनके पिता का ब्याह हुआ था। लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से जब ये संयोग बना, उस समय उनकी तबीयत खराब हो गई, उनको इलाज के लिए न्यूयॉर्क जाना पड़ा। ऋषि कपूर जी रीवा नहीं आ पाए, लेकिन रीवा वासियों के दिल में कपूर परिवार की एक अमीट छाप है, एक अमीट जगह है, जिसकी जीती जागती मिसाल कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम है, जो आपके टीवी स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रहा है। न्यूज़ नेटवर्क टुडे के लिए मैं जावेद अंसारी, समीम सौदागर के साथ। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पुराने घराने में अशोक है। न्यूज नेटवर्क भी रीवा शहर की ओर से कपूर परिवार के इस शोक में शामिल है। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।